बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सलीमुर्रहमान, वाइस चांसलर सर यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का जो दिन है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ किस्म की रिस्पांसिबिलिटीज रखी हैं, जो उसको एक हक दिया है और इख्तियार दिया है कि वो दूसरों के काम आए, तो अमूमन कोई शख्स मुश्किल में होता है, हम उसकी मदद करते हैं। किसी को माली इमदाद की ज़रूरत हो तो हम वो माली इमदाद कर देते हैं, उससे हमें एक खुशी महसूस होती है। लेकिन इन सब से बढ़ के अगर किसी की जान बचाने के लिए खून का अतिया दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये किसी भी माली इमदाद या काम में मदद के मुकाबले में एक बहुत बड़ी नेकी है। इस सिलसिले में जो सन 2005 से इंटरनेशनल लेवल पे एक दिन मनाया जाता है, आज 14 जून वो दिन है और पाकिस्तान में भी हम लोग 2008 से ये दिन मना रहे हैं। सरहद यूनिवर्सिटी ने हमेशा इस तरह के कामों में भरपूर हिस्सा लिया है और आज भी हमारे यहाँ जो वॉक हुई है, जो एक गैदरिंग हुई है स्टूडेंट्स की, हालांकि आज हमारे तालिबे इल्मों के इम्तहान हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कसीर तादाद में वो आए और उन लोगों ने थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ और दीगर लोग जो मरीज़ होते हैं उनको खून की ज़रूरत होती है, उनके साथ यकजहती का सबूत दिया है। कल इंशाल्लाह हम एक कैंप लगाएंगे और हमेशा की तरह इंशाल्लाह इस मरतबा भी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टाफ के लोग वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हुए खून का अतिया देंगे। I am Dr. Zafar Iqbal, Amir Amtiaz, and a retired professor and dean of life sciences over here. Today is the no doubt very important day and important because the people are saving the life of other people. In Islam is a very clear message. Jis ne ek insaan ki jaan bachayi, usne pure insaniyat ko bachaya. यहाँ ये नहीं है कि मुसलमान इंसान जो भी है, तो इस लिहाज से देखें तो जो शख्स ब्लड डोनेट करता है और किसी जान बच जाती है तो उस तार खैर में शामिल होता है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यहाँ इररिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी रेस, इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, बिकॉज दिस इज वॉट ए वेरी वेरी ग्रेट काज। और ये कार्यक्रम कितना पसंद है उसने इंसान को महसूस कर रहा है। तो हमारी सर्विस के स्टूडेंट्स माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ दिस, दे आर कोऑपरेटिंग, दे आर रेडी 24 आवर्स 7 डेज ए वीक एंड 365 डेज ए ईयर्स, दे आर रेडी टू डोनेट ब्लड, दे आर रेडी टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल्स। यू नो पुश्तों से पता रहा ही क्या पता लगे, when you are going to hospital and you need blood, then you will cry, where should I go, and then you will know the importance of this thing. And this is the reason that I am very grateful to these Frontiers Foundation and other such organizations. They are helping the sick people. You visit hospital, aap dekhenge aapko kitne log aap blood ke liye khade honge, aur aap jab blood denge कितनी बड़ी खुशी की बात है। आपकी वजह से एक इंसान इस दुनिया में वापस आ जाता है, अपने बच्चों के पास चला जाता है, अपने माँ बाप के पास ठीक चार तौर चला जाता है, तो कितना ग्रेट काज है। और एंड आई होप दैट कि हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा के लिए इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर एफर्ट्स एज वेल सर। थैंक यू सर, एंड आई होप दैट वी विल कंटिन्यू दिस एफर्ट एंड वी आर बिजी। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ विश एंड बेस्ट ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़खर ज़मान, एडमिनिस्ट्रेटर फ्रंटियर फाउंडेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पेशावर। आज 14 जून है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ब्लड डोनेशन के हवाले से अवाम-उन-नास में शोर को उजागर करना है, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो
जहाँ पे ब्लड डोनेशन का रेशो बहुत कम है, यानी ब्लड डोनर्स की तादाद बहुत कम है, टू बी प्रिसाइज लेस देन 1%, 0.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान डोनेट ब्लड, और इसको हमने पहुँचाना है 3% तक, क्योंकि 3% ऑफ अ कंट्री व्हेन दे डोनेट ब्लड तो वहाँ पे ब्लड की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो एक तो ये है कि हमने ब्लड डोनर्स डे पे ब्लड डोनेशन को प्रमोट करना है, और इसके हवाले से आगाही फैलानी है कि ब्लड डोनर्स या ब्लड डोनेशन से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ये एक सेफ मेडिकल प्रोसीजर है, और इसके बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्लड डोनर्स जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से, जैसे दिल की बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, आयरन का जो एक्स्ट्रा लेवल होता है बॉडी में वो कम हो जाता है, और ये बहुत सारी जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं उनसे रेगुलर ब्लड डोनर्स महफूज रहते हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, एक रूहानी फ़ायदा होता है, स्पिरिचुअली जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो रूहानी तौर पर बहुत ही मुतमईन होते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन से वो, एक ब्लड डोनेशन से वो 3 इंसानों की ज़िंदगी बचा रहा होता है। तो एक तो हमारा आज का बुनियादी मकसद ब्लड डोनर्स को खराज तहसीन पेश करना है जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं, और दूसरा ये कि हमने अपने माशरे में लोगों को इंकरेज करना है, हमारे माशरे में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे अमराज हैं जिनके बीमारों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, तो ये मरीज इनकी ज़िंदगी का दारोमदार दूसरे लोगों के खून पर होता है। तो आज के दिन के हवाले से मेरा ये मैसेज है कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जिसकी एज 18 साल से 65 साल तक है, वो हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है, और हमें ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जी मियादी रहमान है, जैसे आप जानते हैं कि 14 जून जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर के डे के हवाले से पाकिस्तान में खसूस तौर पर दुनिया में काफ़ी अच्छे तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन का जो मकसद है वो ये है कि खसूसी उन नौजवानों को ट्रिब्यूट या खराज तहसीन पेश किया जाए जो साला साल अपना हथिया खून जो है वो ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए रजाकाराना देते हैं, और हम वक्तों इस चीज़ में कायम दायम तैयार होते हैं इस चीज़ के लिए। जब भी उनको कोई कॉल मिलती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए नौजवान ही रजाकाराना खून करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो मैं खसूसी तौर पर उन नौजवानों को खसूस तौर पर मैं जो है तहसीन पेश करता हूँ, साथ ही साथ मैं उन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज इंतजामिया को ये मैं ट्रिब्यूट देता हूँ कि उनकी काविशों से इन स्टूडेंट्स का जो है ये खिदमत का मादा जो है वो रहता है। और जब भी हमारी मुख्तलिफ टीमें जो है वो उसके लिए जाती हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, तो ये तलबा ये ही बड़े शौक से जो है रजाकाराना खून देते हैं। दूसरी ये बात है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में, खसूस हमारे मुल्क में थैलेसीमिया मेजर, जिसमें बच्चों का खून नहीं बनता, उनको हर वक्त जो है महीने में 2 से 3 मरतबा खून की ज़रूरत पड़ती है, और 1,20,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो थैलेसीमिया के रजिस्टर हैं। तो ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद को खून देना, उसके लिए चाहिए कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन अवेयरनेस जो है वो आगाही जो है नौजवानों में ज़्यादा शोर इसको उजागर करें। ये आज की बात, आज की 14 जून का एक ख़ास मकसद हमारा ये भी है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि आप कुरान शरीफ करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान पाक में, वमन अहयाह फकअन्नमा अहयानास जमीअ, यानी जिसने एक इंसानी ज़िंदगी बचा तो वो या पूरी कायनात को ज़िंदगी बचा। तो इस नज़रिए को लेकर अगर हम अपने इस माशरे को देखें तो मैं इंतहाई जो है हूँ, बावजूद के हमारा स्टैंडर्ड का मायार वो नहीं है नौजवानों का, क्योंकि यूरोप या दूसरों का है, लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूँ कि जब भी हमारी कोई इमरजेंसी होती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो सैकड़ों के लिहाज से ये तलबा, ये यूथ हमारे हैं, ये उमट पड़ते हैं खून देने के लिए, और सिर्फ सिर्फ उनकी एक ही मुद्दा होते हैं कि किसी तरह इस इंसान की ज़िंदगी बच जाए। तो मैं जो है खराज तहसीन दोबारा पेश करता हूँ।
तमाम स्टेक होल्डर्स को जिसमें मीडिया के लोग शामिल हैं जो कि इस चीज़ को उजागर करते हैं, उसके साथ ज़्यादा उजागर करें ताकि 14 जून और अगले खून को जो है वो जो है लोग जो है इस चीज़ इस कंसेप्ट को समझ सकें। और इस तरह होता रहा तो हमारे जो शगर है खून देने की वो तकरीबन जो इस वक्त बहुत ही कम है पाकिस्तान में, बहुत ही कम है, तकरीबन 2 से 3 के दरमियान या 1 से 0.5 कर दें परसेंट। अगर हम ज़्यादा अवेयरनेस पर जोर देंगे और मेरा उम्मीद है कि सोशल मीडिया के दौर में तकरीबन ये शरह जो है बहुत जल्द जो है 2 से 3 को हम मजमूरी तौर पर जो है हासिल कर लेंगे, और जिसका मकसद ये होगा कि हर जरूरतमंद जो है वो उसको खून पहुँचता है। तो मैं इस कलाम के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया टीम का, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा का, तमाम कॉलेज के तलबा का जो रजाकाराना सारा साल जो है वो हमारी अपील पर जो है वो खून देते हैं और देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। फाउंडेशन यो जहान मदर शुक्रिया अदा करूँ जिन सरहद सरहद बल्कि और जो द स्टूडेंटा रो डेरा हौसला जयू शो आप डेर मुफीद मालूम डॉक्टर सिद्धा डेर खस्ता वाजह जी और सेहतमंद इंसान आक अलग थे और जमू मेहरबनी थी नो अभी बाकी ना द्री मैच बस वीने चिकमा दा आगे वक्त पूरी और तक वीना इंसान जान ना हिस योशन की मती पर जुहान निश्चा और तक सरहद भी वस्ते को तुन चिली आगा तलबान दी को तालिबान अभी मुसलसल द मुख्तलिफ फ्रंटियर फाउंडेशन खिदमत फाउंडेशन या योश में पेखबर की नूर ची थी नो अभी सरा दाखल चरदम फाउंडेशन कैंप लेगी अभी भी और कई और पदी के अभी बाकायदा खबर पूरी साफ नो निन दुम डेर को मिला और डेर मुतमैना जो मुंगना दा मिलवाना रवान दी और मुंग दासी नूर इदारों तो मेरे शु चेदा तालीमी दरगाह खुदी की गैर निसाबी सरगर्मियां ने मुंग मुंग रजिस्ट्रार से तो मुंग बीसी से दा एप्रिशिएट की अभी पखपलम दी की डेर भरपूर हिसाब ली और दासी किस्मा एक्टिविटीज तो मुंग डेर मजून नजर को और निन 14 जून चले टोल नड़ाई की दा यो आलिमी उरज मंजिले की नो दा जमुंग दा पारा डेरा दा ले बख्त और दा खुशकिस्मती दा चिस्ता सुदा ग्रुप रागलो और जमुंग पहुंतुन की दा गवरस्ता सुखी जमुंग सा सेलिब्रेट कर यो जहां पर सुदा सुदा टोलो यो जहां शुक्रिया।